आईपीएल सीजन 13 के 51वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स के दिए 111 रनों के लक्ष्य को मुंबई इंडियंस की टीम ने महज 14.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया और मुंबई इंडियंस का सिर्फ और सिर्फ एक विकेट गिरा। बड़ी बात यह रही कि यहां पर ईशान किशन ने 47 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी खेली। 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से ईशान किशन ने शानदार तरीके से अपनी टीम को जीत दिलाई। वहीं सूर्य कुमार यादव 11 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद रहे। बड़ी बात यह है कि 34 गेंदे शेष रहते दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस ने रौंद दिया। बड़ी बात यह रही कि अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उनका नेट रन रेट काफी कम हो गया है और अब पॉइंट्स टैली में वो नीचे तो नहीं गए हैं, लेकिन प्लेऑफ्स की राह और ज्यादा ओपन हो चुकी है। अब तो सीएसके की टीम भी यहां पर अंदर हो गई है। बड़ी बात यह है कि यहां पर एक बात तो तय है कि दिल्ली कैपिटल्स को कुछ ना कुछ तो हुआ है। इतने बेहतरीन फ्लो में चलने वाली टीम इस तरीके से हारेगी, ये बात किसी ने नहीं सोची थी। बड़ी बात यह रही कि आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम शुरुआत भी अच्छी नहीं कर पाई। पहले ही ओवर में शिखर धवन का विकेट गवाया, फिर पृथ्वी शॉ। एक समय दिल्ली का स्कोर 73/6 था और 78/7 हो गया, लेकिन अंत में अश्विन ने कुछ शॉट्स खेले, लेकिन आज एक तरीके की बैटिंग यूनिट का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। वहीं जवाब में आज दुबई के मैदान पर जमकर गरजा आज मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों का पल्ला, लेकिन आज जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या जबरदस्त आज उन्होंने मैच में वापसी की और एक तरीके से पूरे तरीके से मैच को उखाड़ कर रख दिया और जबरदस्त मैच आज जीत लिया मुंबई इंडियंस की टीम ने। ऑलमोस्ट पहले ही वो क्वालिफाइड थे ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर अब ये बात तय है कि वो टॉप 2 में ही फिनिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली कैपिटल्स को रौंदा है, ये बात तो तय है कि दिल्ली के लिए भी अब सोचने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जो टूर्नामेंट्स की फेवरेट मानी जा रही है उसका यह शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।